हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी, क्रेडिट कार्ड के पैसे को अनलिमिटेड आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, यानी जीरो चार्जेस पे। लिटरली आप अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पा रहे थे। और मैंने खुद 50,000 से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया उस ट्रिक से, और आप में से कई लोगों ने भी इसका काफी ज्यादा फायदा उठाया। जिन लोगों को अमेजोन पे यूपीआई टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिला हुआ है फुल केवाईसी अमेजोन अकाउंट में, उनके लिए तो वो ट्रिक बड़ी आसानी से काम कर रही थी। लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनका फुल केवाईसी अकाउंट है लेकिन उन्हें अमेजोन पे यूपीआई टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन अभी भी नहीं मिला है, तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू जिनका फुल केवाईसी अमेजोन अकाउंट है लेकिन उनके अकाउंट में अमेजोन पे यूपीआई टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन अभी तक इनेबल नहीं हुआ है, वो किस तरह से अनलिमिटेड अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी जीरो चार्जेस पे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके बड़ी काम की होने वाली है। ये ट्रिक भी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब ट्रिक का फायदा उठा सके। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आप तक रेगुलर पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे बेहतरीन कमेंट करने वाले को 100 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर दूंगा, तो आप फटाफट वीडियो के नीचे अच्छा से एक कमेंट कर दीजिए। जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उन्हें मैं कॉन्टेक्ट करूंगा और 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर दूंगा। और दोस्तों, साथ ही आप किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये मेरा एक अमेजोन का अकाउंट है जिसमें फुल केवाईसी नहीं है लेकिन इसमें मुझे @amazonpay यानी कि अमेजोन पे की यूपीआई आईडी मिली हुई है। लेकिन जब मैं इस अकाउंट से 2,000 रुपीज ट्रांसफर करने जा रहा हूँ तो आप यहाँ देखिए, मुझे फुल केवाईसी करने को कहा जा रहा है। बिना फुल केवाईसी किए मैं ये 2,000 रुपीज अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता। मुझे इस अकाउंट पे भी अमेजोन पे यूपीआई टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिला हुआ है लेकिन इस अकाउंट में फुल केवाईसी नहीं है इसलिए मैं ये पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये ट्रिक केवल फुल केवाईसी वाले अमेजोन अकाउंट पर ही एप्लीकेबल होगी, चाहे वो कल वाली ट्रिक हो या आज वाली ये ट्रिक हो। आपको अपना फुल केवाईसी वाला अमेजोन अकाउंट यूज करना है। विदाउट फुल केवाईसी वाले अमेजोन अकाउंट को आप यूज करेंगे तो अमेजोन पे यूपीआई टू बैंक का ऑप्शन मिलने के बावजूद आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको फुल केवाईसी करने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना अमेजोन पे अकाउंट ओपन करना है। होम स्क्रीन पे आपको अमेजोन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अमेजोन पे बैलेंस अभी 1656.87। तो मैं अमेजोन पे बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखिए, मेरा अमेजोन पे बैलेंस बता रहा है 1656.87 और नीचे एक मनी का ऑप्शन है। उसके साइड में आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और फिर @amazonpay दिखा रहा है। तो अगर आपके फुल केवाईसी अकाउंट में @amazonpay वाला ये ऑप्शन दिखा रहा है तभी ये दूसरी ट्रिक आपके काम आएगी। अगर आपके अकाउंट में @amazonpay नहीं दिखा रहा है तब आप इस ट्रिक का फायदा नहीं उठा सकते। और ये @amazonpay का ऑप्शन फुल केवाईसी वाले amazonpay अकाउंट में दिखा रहा है जिनमें amazonpay यूपीआई टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन अभी भी इनेबल नहीं हुआ है। मेरे कई सारे अदर ऐसे अकाउंट है जिनमें फुल केवाईसी नहीं है, उनमें @amazonpay का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर आपका फुल केवाईसी अकाउंट होगा तो मेरे ख्याल से आपके अकाउंट में @amazonpay का ऑप्शन जरूर दिखा रहा होगा। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर ये दिखा रहा है तभी आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, वरना आपके पैसे अटक जाएंगे, आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, आपको ऊबर ऐप पे जाना है। मैं देखिए ऊबर ऐप पे जाता हूँ, वहां पे मेरा फुल केवाईसी वाला ये अकाउंट लिंक किया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं मेरा अमेजोन पे बैलेंस 1656.87 दिखा रहा है। तो ऐड फंड्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं 2,000 रुपये अभी ऐड फंड्स कर रहा हूँ, तो 2,000 मैंने एंटर कर दिए। और उसके बाद मैं ऐड फंड्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने फुल केवाईसी वाले अमेजोन अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे अपने अमेजोन पे ऐसे क्रेडिट कार्ड से ये 2,000 रुपीज ऊबर में ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे CVV एंटर कर देता हूँ, अपने बैंक का OTP एंटर कर देता हूँ, और आप देखिए 2,000 रुपीज मनी एडेड सक्सेसफुली। अब हमारा बैलेंस हो चुका है ऊबर पे, अमेजोन पे बैलेंस दिखा रहा है 3,656.87। अब मैं आपको अमेजोन पे बैलेंस दिखा देता हूँ। आप देखिए अमेजोन पे बैलेंस मेरा दिखा रहा है 3,656.87। और नेक्स्ट पेज में देखिए मेरा अमेजोन पे UPI के साइड में 2,000 रुपीज दिखा रहा है, क्योंकि 1656 जो मेरा बैलेंस है वो मेरा गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है या मेरा कैशबैक का बैलेंस है। तो आप गिफ्ट कार्ड या कैशबैक के बैलेंस को बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकती। आप केवल जो पैसे आपने अमेजोन पे में ऐड किए हैं कहीं से भी
उसी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड की है, तो केवल ये 2000 रुपये ही मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों आपको भीम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, या फिर काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी भीम ऐप जरूर होगा। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो आपके भीम ऐप में शो कर देगा। अब भीम ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखिए रिक्वेस्ट मनी, आपको रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करने के बाद आपका जो अमेजोन पे का UPI ID है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर @amazonpay। तो मैं यहाँ पे अपना फुल KYC वाला अमेजोन पे अकाउंट का UPI ID यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जिसमें मैंने 2000 रुपीज ऐड की है। UPI ID एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपका UPI ID सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा UPI ID वेरीफाई हो चुका है, मेरा फोन नंबर @amazon पे मैंने एंटर किया, वेरीफाई पे क्लिक किया और मेरा UPI ID यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरा ही UPI ID है। तो मैं यहाँ पे 2000 रुपीज एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। अब देखिए मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जिस नंबर पे आपने ये रिक्वेस्ट सेंड की है। देखिए मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आ गया है, विनीत हैज रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यू ऑन अमेजोन ऐप, ऑन अप्रूवल ₹2000 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। और नीचे एक लिंक दी गई है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप अपने फुल KYC वाले उस अमेजोन अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे हमने 2000 रुपीज ऐड किए हैं। तो अब देखिए इस तरह की स्क्रीन आ गई, यहाँ पे हम अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे बता रहा पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए विनीत सुरेखा रिक्वेस्टेड, जो हमने भीम UPI से रिक्वेस्ट भेजी थी वो यहाँ पे शो कर रही है। तो अब आपको पे पे क्लिक करना है। पे पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ नीचे बता रहा पे विथ योर UPI लिंक बैंक अकाउंट वॉलेट, नीचे बता रहा अमेजोन पे बैलेंस। तो यानी ये 2000 रुपये हमारे अमेजोन पे बैलेंस से डिडक्ट होंगे। तो मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करते देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और जो 2000 रुपये हमने क्रेडिट कार्ड से उबर के थ्रू अमेजोन पे बैलेंस में ऐड किए थे वो हमारे भीम UPI ID पे सेंड हो चुके हैं। यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर पेमेंट हैज बीन मेड सक्सेसफुली। ऊपर भीम ऐप से भी मैसेज आ गया है कि हमारे भीम ऐप में जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें 2000 रुपीज क्रेडिट हो चुके हैं। अब मैं आपको फिर से अपने अमेजोन पे अकाउंट में जाके दिखाता हूँ, तो आप देखिए 2000 रुपीज यहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। समरी में आप देखिए तो पेड टू विनीत अमेजोन पे बैलेंस, यानी अमेजोन पे बैलेंस में हमने 2000 रुपीज जो ऐड किए थे वो हमारे यहाँ से कट चुके हैं और हमारे भीम UPI ID में जो बैंक अकाउंट था उसमें क्रेडिट हो चुके हैं। अब मेरे भीम UPI ID में मेरा एक्सिस बैंक अकाउंट लिंक था, आपको मैं अपने एक्सिस बैंक में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 2000 रुपीज मेरे एक्सिस बैंक में अमेजोन से क्रेडिट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करके वो सभी लोग फायदा उठा सकते हैं जिन्हें अमेजोन पे UPI टू बैंक ट्रांसफर का अभी ऑप्शन नहीं मिला है। और यहाँ पे मैं बता दूं किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक बार में 10,000, 20,000, 30,000 जितना मन चाहे उतना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक का तुरंत फायदा उठा लीजिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।